हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी। सो इन आर प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द केमिकल इक्वेशंस, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस और राइटिंग केमिकल इक्वेशंस विद वर्ड इक्वेशन और बाय द स्टेटमेंट। ठीक है, हम सब ये सब डिस्कस कर चुके थे। अब जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस में आपके पास क्या है? सिक्स टाइप्स की होती हैं। ठीक है, तो कुछ क्या है, कुछ बुक्स में मेनली कम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, सब्स्टिट्यूशन और डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, ये ही चार टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में दे रखी हैं। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस अलग से डिस्कस की गई हैं, और उसी के साथ साथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस भी सेपरेटली डिस्कस की गई हैं। तो आपके ऊपर है, आप टाइप्स ऑफ में सिक्स पढ़ सकते हैं, फोर पढ़ सकते हैं, फाइव पढ़ सकते हैं, क्योंकि पढ़ना सारा ही है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन से शुरू करती हूँ। ठीक है, और फिर हम वन बाय वन विद एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हुए चलते हैं। ठीक है, सबसे पहला आपके पास है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, एक्सोथर्मिक, एक्सो का मतलब होता है एग्जिट, एक्सोथर्मिक मतलब हीट। ठीक है, सो दोज रिएक्शंस विच टेक्स प्लेस बाय द इवोल्यूशन ऑफ हीट आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। मीन्स वो रिएक्शंस जिनके दौरान हीट जो है वो क्या होती है, रिलीज होती है या निकलती है, उन रिएक्शंस को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में जो हीट इवॉल्व होती है उसको हम प्लस साइन लगा के प्रोडक्ट की तरफ लिखते हैं। ठीक है, सो वो रिएक्शंस जिनमें हीट इवॉल्व होती है वो होती हैं आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। कार्बन क्या होते हैं आपके, मेनली कार्बन सब्सटेंसेस, जो फ्यूल्स वगैरह होते हैं मेनली वो कार्बन सब्सटेंसेस होते हैं। और आपको पता है फ्यूल्स के जलने से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है या हीट मिलती है। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स भी बोल सकते हैं। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स जो है वो सब किसके एग्जाम्पल हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के एग्जाम्पल हैं। दूसरा जो एग्जाम्पल है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, ये जो रिएक्शन है ये भी एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, जिसमें अमोनिया जो है उसकी फॉर्मेशन के साथ साथ हमें कुछ अमाउंट ऑफ हीट भी मिलती है। ठीक है, अब नीचे मैंने एक नोट लिखा है, द रेस्पायरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जो हमारा सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो भी क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जैसे इसका क्या मतलब है कि जो आपको पता है जो फूड हम खाते हैं वो हमारी बॉडी में जाके हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्ट हो जाता है। डाइजेस्ट होना इज़ नथिंग बट द बर्निंग ऑफ फूड, और उसके लिए किसकी ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन। तो दैट मीन्स जो फूड हम खाते हैं और जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, मतलब अंदर लेके जाते हैं, वो आपस में रिएक्ट करते हैं, जिससे हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या कर देते हैं, हम एक्सहेल कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, और उसके साथ हमें मिलता है वाटर, और उसी खाने से हमें मिलती है एनर्जी। ठीक है, तो जो एनर्जी या हीट जो भी है वो निकलती है, अगर किसी भी प्रोसेस से हमें एनर्जी मिलती है या हीट इवोल्ड होती है, वो प्रोसेस होते हैं एक्सोथर्मिक। सो द रेस्पायरेशन इन विच टेक प्लेस इन द ह्यूमन बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, दूसरा आपके पास क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं बेटा, इसके बिल्कुल अपोजिट, मतलब वो रिएक्शंस जिनको स्टार्ट करने के लिए ही हमें क्या देनी पड़ती है, हीट या एनर्जी देनी पड़ती है, वो होती हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, जिसमें आपका एग्जाम्पल है नाइट्रोजन प्लस ओ टू टू फॉर्म प्लस सम अमाउंट ऑफ हीट। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस में हम रिएक्टेंट की तरफ प्लस लिख के और अमाउंट ऑफ हीट या एनर्जी लिखते हैं, तब हमारे पास फॉर्म होते हैं प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट इज नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, जो गैस है उसकी फॉर्मेशन होती है। तो दैट मीन्स इस रिएक्शन के लिए, को स्टार्ट करने के लिए हमें पहले हीट देनी पड़ेगी या एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी ये रिएक्शन टेक प्लेस होती है।
दूसरा क्या है, जो हमारा फोटोसिंथेसिस प्लांट्स का फूड फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है वो भी आपका एक एग्जांपल है एंडोथर्मिक रिएक्शन का। ठीक है, उसमें क्या होता है, प्लांट्स जो है वो अपना फूड कैसे बनाते हैं, प्लांट्स एटमॉस्फेयर की जो कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस वाटर और उसके साथ साथ सनलाइट, सनलाइट क्या है या सन एनर्जी, वो भी क्या है एक हीट का ही फॉर्म है। ठीक है, तो सनलाइट अगर नहीं होगा तो प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड जो है वो नहीं बना पाएंगे, और इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल दे फॉर्म ग्लूकोज, ग्लूकोज इज देयर फूड प्लस, और इस प्रोसेस से क्या निकलती है ऑक्सीजन गैस। सो व्हाट विल यू ऑब्जर्व दैट दैट रेस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस आर रिवर्स ऑफ ईच अदर। यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन से हमें क्या मिल रही है एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और जबकि फोटोसिंथेसिस इससे बिल्कुल अपोजिट है, जिसमें क्या हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और सनलाइट इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल दे फॉर्म ग्लूकोज। ठीक है, सो कई बार आपके पास ये क्वेश्चन भी पूछ 1 नंबर में भी आ सकता है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है, व्हाई रेस्पायरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन हीट इज इवोल्व या एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, और ये आप रिएक्शन भी लिख सकते हैं, ग्लूकोज इज नथिंग बट द फूड वी ईट। ठीक है, सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन इज कम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि वर्ड से ही पता चल रहा है, कम्बिनेशन मतलब कंबाइन होना, जुड़ना, जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होके एक सिंगल न्यू सब्सटेंस बनाते हैं, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज कम्बिनेशन रिएक्शन। दैट मीन्स वो रिएक्शन जिसमें क्या होंगे, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट होंगे लेकिन एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, दैट टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज कम्बिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, तो क्या हो सकता है, दो एलिमेंट भी कंबाइन होके एक कंपाउंड की फॉर्मेशन कर सकते हैं, एक एलिमेंट एक कंपाउंड मिलके भी एक न्यू कंपाउंड की फॉर्मेशन कर सकते हैं, और दो कंपाउंड मिलके भी एक न्यू कंपाउंड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इसमें मैंने अलग अलग एग्जाम्पल लिया है, जैसे बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन इन एयर, बर्निंग ऑफ इन एयर का मतलब ऑक्सीजन, दैट मीन्स हाइड्रोजन एक एलिमेंट हो गया, ऑक्सीजन एक एलिमेंट हो गया, इनको हम एलिमेंट क्यों बोल रहे हैं, या तो हम एलिमेंट बोलेंगे या हम मॉलिक्यूल बोलेंगे, क्योंकि एटमॉस्फेयर में आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो हैं वो डाई एटोमिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, देन दे फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल, या वाटर एक कंपाउंड भी है। ठीक है, ठीक है, तो जब दो इस रिएक्शन में क्या है, दो एलिमेंट कंबाइन हुए हैं और एक कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई है, दूसरा क्या है कि एक एलिमेंट हो और एक कंपाउंड हो, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड बर्निंग ऑफ CO, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन के साथ बर्न हुई जो कि एक एलिमेंट है, एंड दे फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तीसरा क्या है कि दोनों ही कंपाउंड हो, जैसे अमोनिया प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, तो हमारे पोस्ट पास बना अमोनियम क्लोराइड। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट इज डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन इज अपोजिट ऑफ कम्बिनेशन। डिकम्पोज का मतलब होता है टूटना, मतलब व्हेन सिंगल प्रोडक्ट डिकम्पोजिस और ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर प्रोडक्ट, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। इट इज़ अपोजिट ऑफ कम्बिनेशन रिएक्शन। कंपाउंड्स ब्रेक डाउन इंटू टू एंड मोर सिंपल सब्सटांस बाय द अप्लीकेशन ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी और लाइट। येस, कोई भी जो रिएक्टेंट है, मतलब सॉरी, या कंपाउंड है, उसको तोड़ने के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल है, ठीक है, तो उसको तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, अपनी तरफ से उस क्या देना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी, ठीक है, एनर्जी देनी पड़ेगी। वो एनर्जी किसकी फॉर्म में हो सकती है, या तो हम हीट की फॉर्म में दे सकते हैं, मतलब उसको गर्म कर सकते हैं, दूसरा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी पास करने से भी क्या हो जाते हैं, चार्ज अलग अलग हो जाते हैं, चार्ज डिवेल्प हो जाते हैं। ठीक है, और कंपाउंड्स क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स ही होते हैं, और जिसमें एक पार्ट पार्ट क्या होता है, कैटायन, एंड सेकेंड इज एनायन। कैटायन और एनायन मिलके ही कंपाउंड फॉर्म करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने से भी वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे। और कुछ लाइट, लाइट है वो किसी भी फॉर्म में हो
हो सकती है, सनलाइट भी हो सकती है, और सिंपल आपकी जो लाइट है यूवी लाइट, बहुत सारी टाइप्स ऑफ लाइट होती हैं, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट हो सकती है, फिर आपके पास उसके बाद आपके इंफ्रा रेड लाइट्स हो सकती हैं। तो इन द फॉर्म ऑफ लाइट अगर हम दे रहे हैं एनर्जी, तो भी आपके कंपाउंड्स क्या हो सकते हैं, ब्रेक डाउन हो सकते हैं। तो हम अलग अलग डिस्कस करते हैं डिकम्पोजिशन इन प्रेजेंस ऑफ हीट, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। सो इफ़ द डिकम्पोजिशन इज टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ हीट, देन इट इज़ नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। इफ़ इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देन इट इज़ इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलिसिस। एंड थर्ड इज लाइट, सो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट इट इज़ नोन एज फोटोलिसिस। सो आपके एग्ज़ाम में ना कई बार इस तरीके से पूछा जा सकता है कि थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्ज़ाम्पल दीजिए, तो आपको कुछ एग्ज़ाम्पल्स याद रखने पड़ेंगे कि वो रिएक्शंस जो हीट देने से डिकम्पोज होती हैं, ठीक है। तो उसका एग्ज़ाम्पल क्या है, अगर आपके पास क्या है मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, उसको अगर आप हीट करते हैं तो किस में डिकम्पोज हो जाती है, टूट जाती है मरकरी में, और ड्यूरिंग दिस रिएक्शन ऑक्सीजन गैसेस इवोल्व। सो इट इज़ द एग्ज़ाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरा है इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब बाई यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। सो वाटर है, अगर हम उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो उसमें क्या जनरेट होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस। हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वो नेगेटिव चार्ज पे जाके अटैक हो, मतलब क्या हो जाती है, डिकम्पोज हो जाती है, चिपक जाती है पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव पोल पे जाके। और ऑक्सीजन जो होता है वो ऑक्साइड नेगेटिवली चार्ज होता है, तो वो पॉजिटिव पोल पे जाके इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। फोटोलिसिस, फोटोलिसिस मतलब डिकम्पोजिशन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है। इसका एक एग्जांपल फोटोलिसिस जो है, इसका एग्जांपल में आप फोटोसिंथेसिस भी लिख सकते हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस में दिक्कत क्या है कि उसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन की उसमें नहीं डाल सकते, क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो होती है जिसमें आपके पास एक सिंगल रिएक्टेंट हो, ठीक है। लेकिन फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दो आपके पास रिएक्टेंट होते हैं, लेकिन वो भी रिएक्शन क्या होती है, इन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो इसमें हम पढ़ेंगे सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड पे अगर हम सनलाइट डालते हैं तो सिल्वर और क्लोराइड जो है वो क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फोटोलिसिस। देखो अब नेक्स्ट जो आपकी पार्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है वो आपके पास है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि किसी को कोई भी एलिमेंट है उसको उसकी जगह से हटा के उसकी जगह पे किसी दूसरे एलिमेंट का आ जाना। डिस्प्लेस मतलब अपनी जगह से हिलाना या रिप्लेस कर देना, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो हैं उनको पढ़ने से पहले हमें ये एक सीरीज है, दिस इज नोन एज रिएक्टिविटी सीरीज, इसका पता होना बहुत ज़रूरी है। ये रिएक्टिविटी सीरीज शो करती है कि कोई भी आपके पास एलिमेंट है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना ताकतवर है, और कौन कितना कम ताकतवर है, ये उनको अरेंज करती है, ठीक है। तो जो भी एलिमेंट आप इसमें टॉप पे देख रहे हैं वो क्या है, मोस्ट रिएक्टिव। मोस्ट रिएक्टिव का मतलब क्या है कि अगर वो किसी कंपाउंड के साथ रिएक्शन करते हैं तो उसमें जो भी मेटल प्रेजेंट होता है वो उसको क्या कर सकते हैं, उसकी जगह से रिप्लेस कर सकते हैं और उसकी जगह पे खुद आ सकते हैं, ठीक है। इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास क्या है, जिंक, सॉरी आयरन सल्फेट प्लस जिंक, ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से होती है। प्रोडक्ट फॉर्म होता है जिंक सल्फेट और Fe, ठीक है। तो आप क्या देखोगे कि यहाँ पे सल्फेट जो है उसके साथ क्या है, आयरन है, जबकि प्रोडक्ट में सल्फेट के साथ क्या आ गया है, जिंक आ गया है। दैट मीन्स जिंक ने क्या कर दिया है, आयरन सल्फेट में से आयरन को हटा के खुद उसकी जगह पे आ गया है। मतलब ये जो पार्ट होता है मेटल, जो पार्ट होता है वो कैटायन है, ये एनायन है। मतलब कैटायन जो पार्ट है, मेटल पार्ट जो है वो क्या हो गया है, रिप्लेस हो गया है।
ऐसा क्यों कर पाया? क्योंकि हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो जिंक है वो क्या आ रहा है, आयरन से ऊपर आ रहा है। दैट मीन्स जो जिंक है वो आयरन से ज़्यादा शक्तिशाली है या ताकतवर है या रिएक्टिव है, तो वो उसको उसकी जगह से हटा के खुद उसकी जगह पे आ सकता है। लेकिन अगर मैं इस रिएक्शन को कुछ इस तरीके से लिखूँ, ZnSO4 plus Fe, तो हमारा जो होगा वो होगा नो रिएक्शन। ये रिएक्शन पॉसिबल होगी ही नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं होगी? क्योंकि जो जिंक है वो आयरन से ज़्यादा ताकतवर है, तो वो उसको उसके सॉल्ट में से या उसके कंपाउंड में से जिंक जो है उसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है उसको समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या है। ठीक है, तभी हम कुछ केमिकल रिएक्शंस जो हैं उनको देख के हम बता सकते हैं ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, वो हम इसीलिए बता सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज जो है उसमें सबसे जो रिएक्टिव मेटल होता है वो आपके पास होता है पोटाशियम, देन सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन। अब आप बोलेंगे कि कार्बन है वो एक मेटल नहीं है, कार्बन है वो क्या है, एक नॉन मेटल है। लेकिन हमने इसमें क्यों रखा कि कार्बन जो होता है वो C4- आपके पास कार्बाइड जो है वो भी बना सकता है एंड C+, 4+। ठीक है, क्योंकि कार्बन जो होता है उसकी वैलेंस सेल या आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो उसको अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और वो 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। ठीक है, तो दैट मीन्स कार्बन जो है उसको हम मेटल की तरह नॉन मेटल दोनों में रख सकते हैं। वैसे हम जो कार्बन है वो एक अलग क्लास ऑफ कंपाउंड शो करता है जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन लेना भी मुश्किल होता है, 4 इलेक्ट्रॉन देना भी मुश्किल होता है। तो कार्बन जो होता है वो करता है शेयरिंग। ठीक है, लेकिन हमने इसमें फिर भी कार्बन को इंक्लूड किया है। कार्बन, जिंक, आयरन, टिन और उसके बाद ये थोड़ा भी टिन और लेड, ये यहाँ पे लेड लिखा हुआ है, Pb, देन हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। गोल्ड है वो सबसे इन रिएक्टिव, मतलब सबसे कम रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, तो इसको याद करने का एक मैंने शॉर्टकट भी लिखा है, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी ए केयरलेस जेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव गोल्ड। तो फर्स्ट प्लीज से आपके पास क्या बन जाएगा, पी से पोटाशियम, एस से सोडियम, CaL से कैल्शियम, M से मैग्नीशियम, A से एल्यूमिनियम, C से कार्बन, Z से जिंक, I से आयरन, T से टिन एंड Le से लेड, H से हाइड्रोजन, कॉपर, S से सिल्वर और G से गोल्ड। ये एक ट्रिक है याद करने की। रिएक्टिविटी सीरीज अगर आप याद नहीं करेंगे तो आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो हैं उनको अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। उसके बाद अब आपके चैप्टर में यहाँ पे बच गया है रेंसिडिटी एंड कोरोजन। ठीक है, वो हम अगले एक या दो लेक्चर में कवर करते हैं, उसके बाद आपका ये चैप्टर फिनिश। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए।